फ्रेंड्स, आज हम आपको 2 मीटर कपड़े में से प्लाजो बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। 2 मीटर है ये हमारा कपड़ा, तो हम इसमें से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्लाजो की कटिंग और उसकी स्टिचिंग बताएंगे। देखिए, प्लाजो में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, इसमें सिर्फ 2 मेजरमेंट चाहिए होते हैं हमें, एक इसकी लेंथ और इसके हिप्स। तो इसकी लेंथ रखनी है हमें, वो रखनी है हमें 37 इंच, और जो हमारे हिप हैं वो है हमारे 40 इंच के। तो लेंथ में हम 3 इंच प्लस करके तो 40 इंच हम इसकी टोटल लंबाई ले लेंगे विद मार्जिन, और हिप में हम अपने 2 प्लस कर देंगे तो 12 इंच के हम अपने बेल्ट लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने इसको बिछा लिया है डबल फोल्ड, अर्ज में हमने इसको डबल फोल्ड किया था पहले, ये देखिए ऐसे, ये देखिए पहले हमने इसे डबल फोल्ड किया है और फिर इसे हमने 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से इसे 4 फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 4 फोल्ड बिछा दिया है। अब हम यहाँ से अपने ऊपर से यहाँ से हम अपनी कमर लेंगे, तो जो हमारे हिप थे 40 इंच, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में हम 2 जमा कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंच। 12 इंच हमने यहाँ पे कमर पे निशान लगा लिया है, और फिर इसके नीचे हम यहाँ 14 इंच के हम अपने आसन लेंगे। 14 इंच हम आसन इसलिए लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसी में ही इलास्टिक का फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से 12 इंच पे लगाएंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ऐसे तो यहां से अपने आसन के लिए क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच लेंगे ऐसे, और यहां पे अपने गोलाई कर देंगे, इस तरह से गुलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया ऊपर का कमर का हिस्सा, ये हमारा आसन है। अब नीचे से आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको मोहरी चाहिए उसके अनुसार आप मोहरी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 इंच मोहरी ले रही हूँ इसकी, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 15 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ पे हमने मोहरी ली है और इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे हम, और यहाँ पे हम मोहरी पे थोड़ी सी हम गुलाई कर देंगे, ऐसे, और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब जो यहाँ से हमारा ऊपर से क्लोज है, ये यहाँ से इसको अलग कर देंगे तो हमारे 2 पौंचे बन के आ जाएंगे, 2 पैर बन जाएंगे हमारे ये। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका लुक आएगा सिलने के बाद, इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए काफ़ी घेरा आया है इसका। तो जिस तरह से इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, इसी तरह से इसे सिलना भी बहुत ईजी है। तो देखिए, हम आपको इसको सिलना बताएंगे। तो हम अपने दोनों इनको लेंगे, अपने पर्दों को, और सबसे पहले हम इनके आसन जॉइंट कर लेंगे इस तरह सीधे सीधे अंदर करके, और हम यहाँ से आसन स्टिच कर देंगे इसके। इस तरह से यहाँ से इसका आसन सिल देंगे, इस तरह से बराबर करके, और यहाँ से भी इसका आसन सिल देंगे, दोनों साइड के आसन सिल देंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने इनके आसन सिल दिए। अब हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे इसको, जिसे हम नेफा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे इस तरह से, पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर
इलास्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फिर यहाँ पूरे राउंड में इसको फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ देंगे, जिसमें जिसमें से हम इलास्टिक इसमें डालेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर देंगे हम इसको पूरे को। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फोल्ड कर दिया है यहाँ से, और यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। अब हम अपनी बॉटम फोल्ड कर देंगे। ऐसे दोनों साइड से अपनी बॉटम फोल्ड कर देंगे पूरे को। देखिए फ्रेंड्स, बॉटम फोल्ड कर दिए हमने दोनों। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे इसमें, इस तरह से इसकी फिटिंग कर देंगे पूरे की। ऐसे फिटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी फिटिंग भी कर दी है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे, जो हमने थोड़ा सा छोड़ा था यहाँ से हम इलास्टिक डाल देंगे। तो इलास्टिक के मेजरमेंट के लिए हम जितना हमारा ये इलास्टिक के लिए हम जितनी हमारी ये कमर है हमारे प्लाजो की, तो इससे हम दो तीन इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक ले लेंगे। तो ये 23 इंच है हमारी, तो 23, तो हम 25-26 इंच की इलास्टिक लेंगे। देखिए पच्चीस इंच हमने इलास्टिक ले ली है, तो इसमें हम पिन की हेल्प से इलास्टिक डाल देंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें इलास्टिक डाल दी है। अब इस तरह से इस इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखे ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे ऐसे, बैक टैक करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लाजो सिल के रेडी है। इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने इसमें इलास्टिक भी डाल दी है। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। हमने इसे सिर्फ 2 मीटर कपड़े में बनाया है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे जिस तरह से इसकी कटिंग ईजी है, उसी तरह से इसे सिलना भी बहुत ईजी है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।